पहले नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट 2021 के हवाले से बता दीजिए, जरदारी साहब और खाकान अब्बासी साहब के हवाले से क्या पटिशन है, क्या सदाकत है इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो 7 अक्टूबर 2021 को आया है, इसके तहत कई केसेस जो हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के परव्यू से बाहर ऑटोमेटिकली कर दिए गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद वो सारे केसेस जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत चल रहे थे, उसमें जो केसेस इसके अंदर एग्जाम किए हैं उसमें पूरी लिस्ट मौजूद है। और उस लिस्ट के तहत जो है आसिफ जरदारी साहब के वकील ने कहा है कि जो इनका फेक अकाउंट केस है उसमें 8 अरब रुपये के ऊपर इनके अकाउंट, इस पर एक्चुअली ये पर्टिकुलर केस तो है, एक मकान है इनका वहाँ पे क्लिफ्टन में 15 करोड़ रुपए की उसके उन्होंने ख़रीदा था और उस पर उसके ऊपर बनाया था कि ये पैसा रिश्वत का है। और वो केस पे उनके कोर्ट में अकाउंटली कोर्ट के अंदर इन्होंने केस फाइल किया है कि भाई ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सेक्शन 2 के तहत जो है ये ख़त्म हो गया। तो अकाउंटली कोर्ट के जज ने जो है उसकी रिजेक्ट को उनकी रिजेक्ट कर दी अपील को, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल उनको का ऑर्डर दिया कि ये जो केस है इसकी चार्ज फ्रेम चार्ज करना था करप्शन का, वो बैंड कर दिया कि आप नहीं करें जब तक कि इसकी अपील का फैसला नहीं होता। इनकी अपील क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी अपील बड़े सिंपल है कि नैब ऑर्डिनेंस 2021 के आने के बाद जो है वो लिखा हुआ है नैब ऑर्डिनेंस में, इनकी अपील के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है, कि सेकेंड अमेंडमेंट के तहत जो है वो सारे टैक्सेशन के मैटर जो हैं वो नैब के परव्यू से बाहर हो गए, जिसमें कि इनकम टैक्स है, उसमें एक्साइज टैक्स है, कोई और टैक्स है, तो टैक्सेशन के मैटर स्टेट बैंक का टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, एग्रीकल्चर टैक्स है, वो नैब अब नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट टू प्राइवेट डील पर नहीं कर सकते, और उसके तहत उन्होंने कहा है कि गलत है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी अपील पे फैसला नहीं किया, मगर स्टे ऑर्डर दे दिया है उनको अकाउंटली कोर्ट को कि आप इसका जो है अभी चार्ज नहीं फ्रेम करें जब तक कि इसका फैसला नहीं होता। नैब को बुला लिया कि